आज पानीघट्टा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीले पूर्ण रीतिरिवाज अनुसार करम पूजा पालन गर्यो। आज बिहान सम्पूर्ण आदिवासी सम्प्रदायका सदस्यहरू कदमको रुखमुनि भेला भएर यो पूजा पालन गरे। आदिवासी सम्प्रदायले वर्षेनी यो पर्व पालन गर्दै आइरहेको छ। नमस्कार, मैं पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सभी भारतवासी, सभी हमारे जिला शासक सबों को शुभकर्म पर्व का शुभकामना करते हुए स्वागत जनाता हूं। और आज पानीघाटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी करम पूजा का आयोजन किया है और इस पावन प्राकृतिक भू पूजन पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, हम लोग स्वच्छ भारत और स्वाभिमान देश बनाने के लिए, समाज को सुरक्षा करने के लिए और सबको जनचेतना करते हैं कि गाछ वृक्ष को बचा के, तो गाछ ने हम लोग को पूर्वज से ही बचाती आ रही है और गाछ का नाश होता है, इसलिए हमारा आदिवासी समुदाय ने गाछ वृक्ष को सेवन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और गाछ वृक्ष का जो गुण है उनको भी हम सभी को बताते आ रहे हैं। और आज का यह करम पूजा का मूल उद्देश्य है कि हम सभी भारतवासी इस गाछ को हम बचाएं ताकि अपना सांस लेने के लिए जो वृक्ष पर जो हम ये काटते हैं वो काटने के लिए उनको माया का उत्पन्न हो जाए। और पानीघाटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी ये पूर्वज से ये अपने बालबूते में गरीब लोग संस्था में हम लोग पिछड़े दलित वर्ग हैं, हमारे पास में कुछ फंड भी नहीं है, सरकार की कोई योगदान नहीं, तो हम लोग अपने बालबूते में किसी से हम चंदा फंदा कुछ नहीं करते हैं। तो हम श्रेष्ठ अपना भूमि पूजा करने के लिए हम किसी से चंदा कोई डोनेशन हम लोग नहीं करते हैं। सरकार से ग्रांट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पास में हम लोग का ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में अपील किए हैं, तो उनका दया है कि आज तक तो मिला नहीं है, 21 बच्चर हो गया, किंतु अब मिले या न मिले भगवान की इच्छा है, यही मनोकामना करते हैं।